22 से 27 दिसंबर दौरान सेंट मैरी क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट चैंपियनशिप खेली गई। यह चैंपियनशिप द प्लानर्स ने आयोजित की थी। फाइनल मैच शुक्रवार को बीटीपी और एफटीएस टीमों में खेला गया, जहां बीटीपी ने 19.3 ओवर में 141 रन बनाकर जीत हासिल की। डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को बीटीपी और एफटीएस के बीच हुए फाइनल मुकाबले में बीटीपी ने 4 विकेट से जीत दर्ज की है। पहली पारी में एफटीएस ने 20 ओवर में 7 विकेट लेकर 139 का लक्ष्य दिया। इसमें मनोज ने एफटीएस की ओर से सर्वाधिक रन 42 और पोमोल ने 40 रन बनाए। गौरतलब है कि 22 से 27 दिसंबर तक हुई क्रिकेट चैंपियनशिप में गोरेवाड़ा रोड स्थित सेंट मैरी क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को फाइनल मैच था। मैच में कई टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में बीटीपी और एफटीएस पहुंचे। शुक्रवार को हुए फाइनल मैच के दौरान बीटीपी ने एफटीएस का 6 विकेट गंवाकर 19.3 बॉल में 141 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। बीटीपी की टीम के सबसे ज्यादा 61 रन बनाने वाले स्वप्निल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत देश में क्रिकेट को भगवान का गेम माना गया है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो बढ़ चढ़कर छोटे से लेके बड़ों तक सिर्फ और सिर्फ खेल की यदि कुछ बात निकले तो क्रिकेट का नाम आता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी शहरों में ऐसे होनहार खिलाड़ी है। इसी श्रृंखला में नागपुर के मानेवाड़ा स्थित बीटीपी 11 की एक ऐसी टीम है जिन्होंने हाल ही में सेंट मैरिज क्रिकेट चैंपियनशिप का एक ताज है अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात करने जा रहे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने T20 में अपना परचम लहराया हुआ है और इस ताज को ले लिया है। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे इस समय हमारे तमाम बीटीपी 11 के। ये वही खिलाड़ी है जो खुशी के मारे फुला ना समा पा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट देखते बनती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो कप मिला है अपने आप में बहुत है। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे इस समय में हमारे साथ में बीटीपी 11 के कप्तान नितिन बारापात्र हमारे साथ में। नितिन, ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हो आज, जिस प्रकार से ये कप आपको मिला है? मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे पूरे प्लेयर्स ने बहुत एफर्ट किया इस टूर्नामेंट को जीतने में, और खास करके मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जैसे कुणाल, आयुष बोदुले, स्वप्निल, और मेरे बॉलर्स मंगेश देवताड़े, विनीत परिवाल, अनु फाड़े, इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को जीतने में। और हमने काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, काफ़ी प्रैक्टिस की, कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहे। कुछ प्लेयर्स बाहर जाने के बाद रिटर्न आए इस मैच खेलने के लिए, और हमें ये सोचा नहीं था कि हम इस टूर्नामेंट में चैंपियन बन सकेंगे, पर टीम सपोर्ट जो टीम ने एक साथ दिखाया और एक साथ करके इस चैंपियनशिप को जब जीता, तो ये लगा कि हमने कुछ पाया आज। हम वहाँ पे सिर्फ हमारे पास देने पाने के लिए कुछ था नहीं, और हमने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हम पा लेंगे, पर एज अ एफर्ट। और साथ में सिराज भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया हमारी टीम को खड़ा करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और हम टीम आगे भी इस तरह से उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम चलते रहेंगी, और हम फ्यूचर में और बड़ी से बड़ी टूर्नामेंट खेलेंगे और वो जीत के लाने की पूरी कोशिश रहेंगी। और साथ ही में मेरे प्लेयर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चैंपियनशिप में जो जुनून दिखाया, आने वाले मैचेस में भी यही जुनून हमारा बरकरार रहेगा और हम ये टूर्नामेंट जीतने में सफल होंगे। बिल्कुल, कोशिश कितनी प्रतिशत की थी? कोशिश तो हमारी यही थी कि प्लेयर्स कुछ अनफिट थे, कुछ प्रैक्टिस में नहीं थे, मैच आ रही है, प्रैक्टिस करना चाहिए, टाइम पे डिसाइड हुआ, और हार्डली एक महीने की प्रैक्टिस में ये सब कुछ संभव हो पाया है हमारा। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने जो कहा है, कोशिश जो जारी रखी थी, इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा बीटीपी 11 के इन तमाम खिलाड़ियों के बारे में कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीत का परचम लहराने के लिए बीटीपी 11 को तमाम शहरवासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उन आयोजकों को शुभकामनाएं देते हैं, और इनके पीछे जो बड़ी एक ताकत बन के जो सामने आए हुए, इनके पीछे में जो खड़े हैं ऐसे सिराज भाई शेख, इनका भी इन्होंने धन्यवाद किया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्रिकेट खेल अपने आप में एक है, बशर्ते उसे खेलना आना चाहिए, और बशर्ते उसे खेलने के लिए जुनून चाहिए और कोशिश चाहिए। यही बात करते हुए कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नाग।